आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। आदरणीय आज की सभा के सभापति तहसीलदार मजालसा श्री उदित सिंह पलसर जी, आज के मुख्य अतिथि डीडीसी मजालसा श्री अमित शर्मा जी, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल मजालसा, डीएमओ मजालसा, एसएचओ मजालसा, फिजिकल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर मजालसा, बाकी डिपार्टमेंट्स के सभी आए हुए ऑफिसर्स, एक्स पीआरआई मेंबर्स, मजालसा से और दूर दराज के गांव से आए हुए सभी श्रोतागण, प्रिय बच्चों और मेरे अध्यापक भाई बहनों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हर वर्ष इस दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन को मनाने का एक अभिप्राय ये भी है कि हम आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दे सकें कि आज के दिन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वैसे तो हम स्वतंत्रता में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें इस दिन का इतना महत्व मालूम नहीं, लेकिन जिन्होंने गुलामी देखी है, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले का समय देखा है, उनको पता है कि गुलामी क्या होती है। एक समय था जब हिंदुस्तानियों को द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति समझा जाता था, हमारे कोई अधिकार नहीं थे, जहां तक कि हमारे घरों में पैदा होने वाली फसल भी, उस फसल पर भी हमारा अधिकार नहीं था, वो भी फिरंगी जो है वो ले जाते थे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया, उनके अगर नाम गिनना शुरू करें तो बहुत समय निकल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि बहुत कम लोगों के नाम हमें मालूम है। हमें पता है सरदार भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। लेकिन आपको बताऊं, कुछ ऐसे लोग भी इस आजादी के लिए आहुति दे चुके हैं जिनका हमें अनुमान भी नहीं है। जैसे कि ओडिशा के रहने वाले बाजीराव, सिर्फ 12 वर्ष की आयु में जिन्होंने इस आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दी। आप सोच सकते हैं कि 12 वर्ष के बच्चे को ठीक से पजामा बांधना नहीं आता, और एक 12 वर्ष का बच्चा जो है वो आजादी के लिए अपना बलिदान दे चुका है। तो कितना जुनून था उन लोगों में जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना खून जो है दे दिया, जिन माताओं ने अपने बच्चे इस आजादी के लिए दे दिए, उनको मैं नमन करता हूं। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले हमारे तहसीलदार साहब ने बताया कि आजादी हमें मिल चुकी है, लेकिन इस आजादी को संभाल के रखना आज ये हमारा काम है। और देशभक्त होना सिर्फ अपने मोबाइल फोन की टीपी पे तिरंगे की फोटो लगा लेना, या मोबाइल में रिंगटोन जो है एक देशभक्ति का गाना लगा लेने से देशभक्ति नहीं होती।
इसके लिए हमें अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए ईमानदारी से और पूरी शक्ति के साथ जिस काम में भी हम हैं, हम जिस भी पोजीशन में हैं, जो भी हमारा कार्य है, चाहे इसमें कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई अध्यापक है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, या जिस भी डिपार्टमेंट में है, जिस भी कार्य में है, सभी व्यक्ति अपने अपने काम को अगर पूरी निष्ठा के साथ करें तो हमारा देश जो है तभी जाके आगे बढ़ सकता है। इसके लिए मुझे, आपको, हम सबको मिलकर काम करना है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना है। हमारे इस आजादी को संभालने के लिए, हमारे बॉर्डर जो है उनकी रक्षा करने के लिए आर्मी जो है वो काम कर रही है, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे अंदर की जो है रक्षा कर रही है, लेकिन हमें भी उनके साथ मिलकर उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। आपको पता है कि अब इस समय जो है सबसे ज्यादा बर्निंग जो चल रहा है वो है इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। अभी थोड़े दिन पहले हमने शहीदों के नाम एक एक पेड़ लगाया, माँ के नाम एक एक पेड़ लगाया, लेकिन उस पेड़ को बचाएगा कौन, उस पेड़ की रक्षा कौन करेगा? ये पेड़ जो है वो सिर्फ सेल्फी मात्र के लिए नहीं होने चाहिए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, हमें अपने पूरे दिल से पेड़ लगाने हैं। और मैं आपको बताऊं पेड़ों का क्या महत्व है, एवरेज एक पेड़ हमें एक साल में 115 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, और जबकि हमें जीवित रहने के लिए एक साल में 740 किलोग्राम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एक पेड़ हमें सिर्फ 115 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ही कम से कम 7 पेड़ चाहिए। अगर हर व्यक्ति 7 पेड़ लगाए तब जाके हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति। और मैं आपको ये बता दूं कि ये ऑक्सीजन हमें फ्री में मिल रही है, ये पेड़ हमें ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं, जबकि बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपया किलोग्राम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें ये जो फ्री की ऑक्सीजन मिल रही है, ये एक साल में हम 7.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, और इन पेड़ों की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मैं दोबारा आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी सिर्फ किसी फंक्शन के नाम पर नहीं, हर दिन कोशिश करो, जो दिन भी आपको पर्याप्त लगे पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो, उसे जीवित रखो। हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए नौजवानों की जरूरत है, स्वस्थ नौजवानों की जरूरत है, और स्वस्थ नौजवान वो कैसे होंगे स्वस्थ जब उनकी माँ ही उनको स्वस्थ रखने में सहायता नहीं करेगी। मैं आपको बताता हूं कि जब गर्भवती महिला खुद ही जंक फूड खाना शुरू करती है और गर्भवती महिला मोबाइल पे घंटों बैठ के गेम खेलती रहती है, उसका पेट में पल रहे बच्चे पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे जो है वो मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद माँ उसको फोन दे देती है गेम खेलने के लिए अपने आराम की खातिर, और साथ ही उसको खिलाए जा रहे हैं जंक फूड। जब जंक फूड खाने से उसका शारीरिक विकास रुक जाता है, और दूसरी तरफ से मोबाइल के अधिक प्रयोग से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, दिमाग में डोपामिन तैयार हो जाती है। डोपामिन एक नशा है जो कि हमें खुश रखता है, लेकिन उस नशे की जरूरत बढ़ती जाती है, और जब वो जरूरत पूरी नहीं होती तो बच्चा नशे की तरफ चला जाता है। तो मैं यहाँ पर आई हुई मातृशक्ति से अनुरोध करूंगा कि अपने देश की खातिर, अपनी खातिर, बच्चों को मोबाइल फोन से और जंक फूड से दूर रखें।
के साथ ही मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि देशभक्ति, सिर्फ देशभक्ति आज के दिन नहीं, रोज देशभक्ति, और वो किस तरह से होगी, हमारा माइंडसेट जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि सभी कहते हैं स्वच्छता, लेकिन स्वच्छता कहां से शुरू की जाए? स्वच्छता अपने आप से शुरू करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं किसी स्कूल में शर्मिंदा हुआ, जब मैं वहां पहली बार गया तो वहां एक फंक्शन में ट्रॉफियां वितरित की गई, सभी बच्चों ने ट्रॉफियां खाई, मैंने भी ट्रॉफी खा ली, मैंने उसका रैपर जो है वो नीचे जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो वो सिर्फ मेरा ही रैपर जमीन पे दिख रहा था, सभी बच्चों ने रैपर जो है वो अपनी पॉकेट में डाले हुए थे। मुझे वहां बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसके बाद मैंने सबक सीखा कि हमें हर समय हर स्थान पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो स्वच्छता तभी होगी जब हम सभी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट के आर्डर से नहीं, हमें अपने घर से स्वच्छता का शुरू करना है, और उसके बाद अपने गांव को साफ रखना है। पॉलिथीन बैग जो है वो जगह जगह गंदगी भर के नहीं फेंकने हैं, और अगर कहीं आपको गंदगी दिखती है तो गांव के लोगों को चाहिए वो इकट्ठे होके एक दिन समय निकाल के स्वच्छता की ओर ध्यान दें। इसके साथ ही मैं ज्यादा समय ना लेते हुए दोबारा सभी को यही कहूंगा कि अपने देश को आगे ले जाने के लिए हमें देश की हर एक प्रॉपर्टी को बचाना है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसकी हिफाजत करनी है, और हमारे देश के जो युवा हैं उनको संस्कारी और ईमानदार बनाना है। एक बार दोबारा से बोलना चाहूंगा कि ये दायित्व ज्यादा जो है वो स्कूलों पर है कि स्कूल जो है वो अच्छे बच्चे बना के भेजे। तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर अध्यापक बच्चों को पनिशमेंट नहीं देंगे और पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चे हमें नहीं मानते हैं, तो फिर बच्चे जो हैं वो संस्कारी कैसे होंगे, आज्ञाकारी कैसे होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि पेरेंट्स आवाज उठाएं इसके लिए, अध्यापक की छड़ी उसको वापस दिला दें, और इसके बदले में आपको संस्कारी, आज्ञाकारी और शक्तिशाली बच्चे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर।